So, am I audible and visible to all of you? Please let me know that. Please tell me if I am audible and visible to all of you, whoever is online. Can you please type yes or no if I'm audible and visible to you, learners, if somebody is there? Wait a second, I think there is some issues. Okay, Saurabh, tell me, please tell me if I'm audible and visible. Okay, let's go. So this is the brand new course जहाँ पे हम इसको करंट अफेयर्स जो रिवीजन मॉड्यूल है आपके यूपीएससी 22 के लिए उसको करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके जितने भी करंट अफेयर्स होंगे अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक, उसको हम कवर करेंगे। ये किस तरीके से मैं करूँगी या फिर इसका क्या मॉड्यूल रहेगा, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड आई रियली अपोलोजाइज सिंस इट वॉज डिलेड, सिंस इट्स माई फर्स्ट लाइव सेशन, तो थोड़ा सा होता है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप टाइप कर सकते हो। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द चैट्स, बट आपके जो भी क्वेरीज है ना, मैं लास्ट में हैंडल करूँगी। अभी फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सिर्फ एक आपका इंट्रोडक्टरी क्लास होगा जिसमें मैं बस आपको इस कोर्स के बारे में जो भी ओवरव्यू है वो सारी दूंगी, राइट? फाइन। और हाँ, डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो मुझसे, और जो भी आपके क्वेरीज हैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैं उसको डेफिनेटली हैंडल करूँगी। फाइन, ओके। सो इट्स अनामिका, वन ऑफ द एजुकेटर ऑफ रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। एंड अगर आपको दूसरे कोर्सेज की भी जानकारी चाहिए करंट अफेयर्स के अलावा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साइट करिएगा ताकि हम वो कोर्सेज आपके लिए लेके आ पाएँ। ओके, फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अनअकैडमी प्लस जो है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको डे टू डे बेसिस पे यहाँ पे प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। जो टॉप एजुकेटर्स हैं ना आपके, वो आपको डेली बेसिस पे सिखाते हैं कि कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार होना है, कैसे आपको मेंस के लिए तैयार होना है, और कैसे इंटरव्यू के लिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हैं। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स। सो आप इसको देख सकते हो।
एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे ये दे दूँ कि आपको जो कोड यूज़ करना है ना, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जो कोड यूज़ करना है वो होगा रैंक 10। तो रैंक 10 जब आप कोड यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हम आपको बाद में जाके उस कोड का यूज़ करने पे आपको हम टेलीग्राम चैनल पे ऐड करेंगे और आपको हम एक्स्ट्रा PDF प्रोवाइड कराते हैं, और फिर हम आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना मेंस के, वो भी हम आपको देते हैं, और उसके बाद हम आपको एक मॉडल आंसर भी उसके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो दीज आर ऑल द डिटेल्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज स्लाइड्स, एंड इफ यू हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल फॉर यू, फील फ्री टू यूज इट। ओके गाइज, आई एल जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। हाँ चलिए, ये यहाँ तक था। अभी सोर्सेस मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ये करंट अफेयर्स को हम जो है प्रिपेयर करेंगे। तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स आप कैसे प्रिपेयर करते हो, अगर इससे रिलेटेड भी आपको कुछ जानना है ना, तो आपको इसी चैनल पे एक वीडियो मिलेगी मेरी ही, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि विज न्यूज़पेपर इज़ बेस्ट, और कैसे आपको न्यूज़पेपर को कवर करना है, कैसे आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और कैसे आपको उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करके सीखना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप वो वीडियो देख लो। द हिंदू की एनालिसिस यहाँ पे गौतम सर करते हैं मॉर्निंग में, और वहाँ पे आप उनसे जो है वो नोट्स बना सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू मेक द नोट्स, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ तो जो आपका करंट अफेयर्स है वो काफ़ी वेटेज रखता है, और आजकल UPSC का जो ट्रेंड है वो यही है कि वो जो करंट अफेयर्स है उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करके भी क्वेश्चन फ्रेम करती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो सिर्फ करंट अफेयर्स को नहीं बनाना है आपको, आपको स्टैटिक पार्ट से भी लिंक करके बनाना है, ताकि आपका एक फुल नोट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे PIB के भी जितने रिलीजेस हैं, या फिर PIB का भी जो भी यहाँ पे होगा इंफॉर्मेशन, या जो भी उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, मैं वो भी यहाँ पे एडअप करूँगी। कोई भी चीज़ आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटेगा, आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है, तो आप रिलाई कर सकते हो, आप कंप्लीटली इस वीडियो पे रिलाई कर सकते हो, आपके प्रीलिम्स 2022 के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और मैगजीन्स जो भी होते हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, तो योजना हो गया, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, या डाउन टू अर्थ, या बहुत सारे वेबसाइट हैं, तो वो उससे भी अगर कुछ निकल के आता है तो भी मैं उसको कवर करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगी। जो इंडिया ईयर बुक की समरी होती है उसमें भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे कवर करूंगी। और राज्यसभा टीवी डिबेट, आपको मालूम होगा कि कभी कभी राज्यसभा टीवी डिबेट की जो चीज़ें होती हैं ना, लोकसभा या राज्यसभा से रिलेटेड जो भी एक टॉपिक उठाया जाता है, जो मुद्दा उठाया जाता है, वो UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, यू हैव टू कीप वॉचिंग दिस डिबेट वन, बिकॉज अंटिल अनलेस यू वॉच इट, यू वोंट बी अवेयर कि क्या चल रहा है। और अगर किसी को यहाँ पे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, या कोई भी विजिबिलिटी में या ऑडिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, आप चैट पे टाइप कर दो एक बार, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, ठीक है, चलिए, आई थिंक ऑल ओके फाइन। लर्निंग मॉड्यूल क्या होगा हमारा, किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे? तो सबसे पहले तो जो होगा हमारा, कि हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी आपके पिछले साल से लेके अब तक में अपेयर हुए हैं, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिर्फ वहीं तक नहीं रखूंगी, उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक पार्ट लिंक भी हो रहा है ना, तो मैं उसको भी कवर करूंगी। उसको इंटरलिंकिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे इस करंट अफेयर से कौन सा स्टैटिक पार्ट जो है वो लिंक हो रहा है, और कैसे आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और किस तरीके से UPSC जो है वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे दूंगी आज के इस सेशन में, ताकि आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब भी आप UPSC के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज अ मस्ट, आपको वो जरूर से जरूर करना है, और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार करना है, ताकि आपको जो एक टाइम लिमिट है उसका भी आइडिया हो जाता है,
फिर आपको ये भी आइडिया होता है कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन बेसिस पे या फिर 50-50 का जो रेशियो है उस बेसिस पे कैसे आपके जो एनहांस कर सकते हो आप एक राइट आंसर चूज कर रहे हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और जितने भी यहाँ पे लर्निंग मॉड्यूल में हम देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, समिट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, जितने एटसेट्रा जो भी चीजें अपियर हुई हैं न्यूज में, हम उसको डेफिनेटली यहाँ पे कवर करेंगे। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर टॉपिक वाइज मैं आपको कहूँ तो आपको बहुत सारे मतलब ना मार्केट में भी चीजें मिल जाएंगी जिसमें आपको करंट अफेयर्स का पूरा लंबा सा चिट्ठा आपको मिल जाता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। ट्रस्ट में इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो आप कितना भी पढ़ लोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं वो लैक कर जाओगे क्योंकि दैट विल गो लाइक अ हॉचपॉच सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं वहाँ यही कवर करूंगी। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि यूपीएससी यही क्वेश्चन देगी, बट डेफिनेटली मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कवर करेंगे जिसमें क्या होता है ना, कोई भी मान लिया कोई नया लॉन्च हुआ या फिर कोई भी समिट हुआ इससे रिलेटेड, या फिर डीआरडीओ ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ जो है आपका जितने भी चीजें जैसे कि आपके डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी निकल के आया है तो भी हम उसको देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता है कोरोना वायरस के कारण वैक्सीन्स जो हैं वो न्यूज़ में रह रहे हैं, या फिर आपको जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी कवर करूँगी। इकोनॉमी का मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी में क्या होता है ना कि इकोनॉमी का आपका जो बेसिक पार्ट होता है, तो बेसिक पार्ट को लर्न करने के साथ साथ कभी कभी वो मान लिया बजट से क्वेश्चन पूछ दें, आपके इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे निकल के आएगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे आपका और बजट यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी मैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली दूंगी क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते हम। समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज आई टोल्ड यू कि हम इसको कवर करेंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी से भी रिलेटेड जो भी चीजें निकल के आई होंगी डेफिनेटली डीआरडीओ हो या कोई भी हो, कोई भी संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से, सारे कवर्ड होंगे। आईआर का पार्ट आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारा, तो आपको पता है कोविड के चलते जितने भी समिट्स हो रहे थे या जितने भी मीटिंग्स हो रहे थे सब वर्चुअल हो रहे थे, तो आईआर का मीटिंग या जो भी आपके जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट का दौरा होता है या फिर दूसरे जो होते हैं डेलीगेट्स उनका इंडिया में आना, या फिर जो वर्चुअल मीटिंग होती है, या फिर कोरोना वायरस को लेकर सारे जो देश हैं वो एक साथ एकजुट होकर डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें जो भी आईआर का पार्ट होगा ना, किस तरीके से हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है चाइना के साथ या फिर अदर कंट्रीज के साथ, या फिर जो क्वाड है वो हम देखेंगे, या फिर जो नेवल एक्सरसाइजेस हैं हमारे इंडिया जो हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ कंडक्ट करता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगी। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए तो डेफिनेटली नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं क्योंकि आपके मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं और जब तक आप उसका पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं करते हो, मेंस के लिए वो तैयार नहीं हो पाता है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी मान लिया कोई जो आपका एनिमल है वो न्यूज में रह रहा है, जो कभी होता है ना कुछ चीजें होती हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, फिर उसके बाद एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर वल्नरेबल में आ जाते हैं, फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये चीजें भी न्यूज में रहती हैं। तो मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से किस तरीके से होता है। और फिर आपको भी पता है कि एनवायरमेंट का जो सबसे जो बड़ा आज का मुद्दा होता है पॉल्यूशन का, और खासकर कोविड के टाइम में तो इसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था, तो वो सारी चीजें हम इसको देखेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी और डिजास्टर रिलेटेड अफेयर्स भी हम देखेंगे। मान लिया कोई भी जैसे सुनामी आती है या फिर साइक्लोन्स हमने देखा है, पिछले साल ही हिट किया था साइक्लोन्स ने, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ज्योग्राफी और डिजास्टर रिलेटेड अफेयर्स भी। और देखिए मैं ये चीजें बता रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि एक साथ आप पढ़ के नहीं कर सकते हो इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टॉपिक
टॉपिक वाइज रहेगा तो आपको जो है रिवीजन के टाइम में हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बिल्कुल साफ साफ ये बात बता देती हूँ कि जब तक आप करंट अफेयर्स को 3 से 4 बार नहीं पढ़ते हो, ट्रस्ट मी, आंसर आपके रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पढ़ने के बाद कोई भी समिट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी स्कीम आप पढ़ोगे ना, तो आपको याद रहेगा, अरे ये तो इस मिनिस्ट्री से है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसके ये मेन पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने इसका पढ़ा था या इसका पढ़ा था। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बहुत लोगों के साथ होता है, तो इसीलिए आपको जो है इसको 2 से 3 नहीं 4 बार कम से कम आप पढ़ लो। अभी भी टाइम है, बहुत सारे टाइम है, तो आपको कोई भी ऐसा मतलब इशू नहीं आने वाला। उसके बाद है आपका सोशल सिक्योरिटी एंड इशूज। तो सोशल सिक्योरिटी एंड इशूज में जो है आपका वो इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को हम देखेंगे। डेफिनेटली हम इसमें जो भी आपके इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारा गवर्नमेंट है जो लॉन्च करता है स्कीम्स या प्रोग्राम्स, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, या फिर चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, एनवायरनमेंट हो, और या फिर आपका साइंस हो, कोई भी, सारा कवर होगा। हिस्ट्री एंड कल्चर भी आपका कुछ होते हैं ना, कुछ जो अवार्ड्स जैसे भारत रत्न और इस तरीके की चीज़ें, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कल्चर में, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, आपको एग्जांपल देके कि पिछले साल आपके खेल से मतलब स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली जिन लोगों को क्रिकेट में और बाकी फुटबॉल वगैरह में इंटरेस्ट है, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ होगा। बट सिंस द पर्सन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये हो जाता है कभी कभी। यूजुअली क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं है, बट पिछले साल आए हुए हैं। ओके, सो अभी तक में कोई दिक्कत आपको इतनी दूर में कुछ पूछना है यहाँ तक में, तो आप टाइप करो। ओके, ओनली 5 आर एक्टिव, सो आई डोंट थिंक कि आई शुड वेट। शुड आई मूव ऑन? चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ऐड अप कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है वो सेट कर सकते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप समझ रहे होगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग साइबा एंड दीक्षा एंड सौरभ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके क्वेरीज लास्ट में ज़रूर हैंडल करूंगी फॉर 5 मिनट्स। सो अभी के लिए मैं इसको अभी देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकोगनाइज्ड हैदराबाद एज 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड स्टेटमेंट टू सेज हैदराबाद वॉज सेलेक्टेड फॉर द रिकोगनीशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। सो दिस इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए, ये आपका, अगर मैं देख बताऊं आपको, तो ये आपका हिस्ट्री और कल्चर के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि हर पार्ट आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ना जरूरी है, ताकि आप कम से कम डिफाइन कर पाओ कि ये क्वेश्चन किस फील्ड से आया है। तो आप यूपीएससी में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉलिटी ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ज्योग्राफी ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। सो आप प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ना आपका, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो आपको मैं बता दूं कि हैदराबाद एक ऐसा इकलौता शहर है, ये इंडिया का ओनली सिटी जो है वो बना था, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया था एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, उसने इसको जो जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उन्होंने इसको जो है वो मतलब अनाउंस किया था। ठीक है, एबरडे फाउंडेशन पे। तो दिस इज नॉट यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, दिस वॉज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी जो है ना वो चीजें यहाँ पे माइंड करनी होंगी, कि
क्योंकि अगर आपको यूएन सीडीएफ का है, तो अगर आपको यूएन सीडीएफ के बारे में मालूम है तो भी आप एक राइट आंसर चूज कर सकते थे। अगर आपको आर्बर डे फाउंडेशन आपने पढ़ा हुआ रहता तो भी आप राइट आंसर चूज करते, और अगर एफएओ आपको मालूम था तो भी आप राइट आंसर चूज कर पाते। और इसीलिए करंट अफेयर्स, अगेन करंट अफेयर्स। सो यहाँ पे जो है हैदराबाद सिटी में जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको जो है एक मेंटेन करने के लिए, फॉरेस्ट्री को, स्टेट में फॉरेस्ट कवर को, फॉरेस्ट्री को मेंटेन करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था हरित हरम प्रोग्राम। हाँ ओके, साथ साथ मैं चैट पे भी ध्यान रख रही हूँ। तो ओके, क्वालिटी नहीं दिख रही है। ओके, विल लुक इन टू इट। ठीक है, तो ये एक जो है वो ग्रीन कवरिंग के लिए, स्टेट में ग्रीन कवरिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को लाया गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट का प्रेजेंटली जो ग्रीन कवर है वो ऑलमोस्ट 25.16% है, जिसको कि गवर्नमेंट का टारगेट था कि कम से कम 30% तक किया जाए। तो इसलिए ये जो है आपका हरित हरम प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। और अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो इस तरीके से मतलब इंश्योर करती है कि जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको एक क्लीन एनवायरनमेंट मिले। और जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो हमारे हमारे जो एक मोटिव होता है ना, उसको हम फॉलो अप कर पाएँ। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था। उसी तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये आर्बर डे फाउंडेशन क्या है। ये इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। एक नॉन प्रॉफिट कॉन्वर्सेशन है ये, जो कि एक मतलब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया था 1972 में यूनाइटेड स्टेट में। तो इस तरीके से इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा तो अच्छा होगा। फिर एफएओ जो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि जितने भी मतलब हंगर को डिफीट करने में, जो भूखमरी है ना उसको डिफीट करने में, उसको हराने में जो है ये कार्यरत रहती है, उसी लिए ये काम करती है। तो आपका जो है, आपको ये बात पता होगी कि हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कम से कम इस तरीके की चीज़ें, कि कम से कम जो लोग हैं भूख से ना मरे, उसके लिए हम काम कर पाएं। राइट, ओके, सो लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जो आपका, ये भी मैं बता दूं कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है एफएओ, उसने अभी 2020 में जो है अपनी 75th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा, कितने दिन का प्रोग्राम होगा सत्यम मिश्रा, कितने दिन का प्रोग्राम होगा? प्रीलिम्स के पहले खत्म हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप खत्म होने की बात कर रहे हो जाएगा, डोंट वरी, मैं सारी चीजें कवर कर दूंगी इसमें। अभी फिलहाल आप इसको देख लो, लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ओके, सो विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ये आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से आप रिलेट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे इट वॉज द फर्स्ट एंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लरेशन एंड इट इज एंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन देना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। तो अगर आपको फिफ्थ स्टेटमेंट भी पता होगा ना कि इंडिया वॉज नॉट द सिग्नेटरी, तो फिर आप शायद राइट आंसर चूज कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, या फिर पॉल्यूशन को, या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जितने भी चीज़ों के लिए हम मतलब उसको टारगेट जो हम रखते हैं अपना, उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके के डिक्लेरेशंस जो हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ें जो आ रही हैं, उसको हम ध्यान में रखें। तो यहाँ पे जो आपको बॉर्न चैलेंज था इंडिया का, जो कि सितंबर 2019 में जो टारगेट रखा गया था, तो उसको एक्सटेंड किया गया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका अपियर हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट है, इट वॉज एंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। और ये भी सेकेंड है कि सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि न्यूक्लियर जो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है,
वो एंडोर्स करता है ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ताकि जो फॉरेस्ट हैं हमारे हम उनको ज्यादा से ज्यादा बचा सके। इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। देखिए एक चीज होती है, जब कोई भी चीज लीगली बाइंडिंग आप कहोगे ना, तो दैट मींस कि जो भी कंट्रीज हैं वो बाध्य होंगी उसको मानने के लिए, मतलब उसको वो टारगेट पूरा करना ही होगा, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी अदर कंट्री हो। लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन को डिफीट करने के लिए कोई भी चीज अगर लीगली बाइंडिंग हम कर देते हैं ना, तो फिर वो एक स्टेट की या फिर एक देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, खासकर इंडिया जैसे बिग कंट्री के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है एक वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, सो थर्ड स्टेटमेंट गोज रॉन्ग। एंड आफ्टर दैट आपका फोर्थ स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि ये जो है एंडोर्स्ड होता है गवर्नमेंट, बिग कंपनीज और इंडिजिनियस कम्युनिटीज के द्वारा, जो भी एनजीओज एंड ऑल है वो इसमें हेल्प करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो आपके इंडिया है वो सिग्नेटरी इसका नहीं है, तो इंडिया ने अभी तक भी साइन नहीं किया है इसको, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को। तो थर्ड एंड फिफ्थ जो है आपका वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इस तरीके से आप एक राइट आंसर चूज कर सकते थे। ठीक है, ओके, सो ये हमने कर लिया। आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी है बॉर्न चैलेंज है या फिर जो भी इससे रिलेटेड है ना, वो आप ध्यान से पढ़ लो, ताकि आपको, एक सेकेंड, टाइमिंग क्या है क्लास की, टाइमिंग आपका जो है क्लास का ये 7:30 ही रहेगा, जैसे आज हुआ है ना वैसे ही रहेगा, ये 7:30 को ही डेली ये मैं करूँगी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द 32nd समर ओलंपिक, तो देख लिया, ये आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्पोर्ट्स वाला भी जो करंट अफेयर्स है वो आप कवर करो। ठीक है, तो आपको पता ही है कि बहुत सारे जो गेम्स हैं या जितने भी बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, चाहे समिट्स हो या कुछ भी, कोविड के चलते सारी चीजें डिलेड हुई हैं। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम जो है वो टोक्यो में हेल्ड हुआ था 2020 में, क्योंकि उसके बाद ये 2021 में कोविड के कारण पोस्टपोन किया गया था, और इसलिए ये समर ओलंपिक जो है वो न्यूज में था। सो आप ये कह सकते हो कि 32nd समर ओलंपिक जो है वो टोक्यो में हेल्ड हुआ था 2021 में। तो यहाँ पे इसका जो है ऑफिशियल गेम का जो मोटिव था ना, मोटो जो था इस ओलंपिक का, वो था आपका यूनाइटेड बाय इमोशंस, अ न्यू वर्ल्ड नहीं था। तो जब भी कोई समय सॉरी कोई भी गेम होता है ना, तो उसका एक मोटो रखा जाता है एक सिंबॉल के साथ, तो ये आपको याद होना जरूरी है। अ न्यू वर्ल्ड जो है ये काफी पहले जो है आई थिंक 2016 रियो ओलंपिक या ऐसा कुछ में रखा गया था, इस बार का जो था आपका वो था यूनाइटेड बाय द इमोशंस। ओके, और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल और इसमें इंक्लूड किए गए थे ओलंपिक में। डेफिनेटली दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये भी यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। डेली रहेगी, बिल्कुल डेली रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, डेली रहेगी आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो आपको पता ही है कि इस बार जो है इंडिया को हरा के न्यूजीलैंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है और इसलिए ये क्वेश्चन भी अपीयर हुआ। सो द फाइनलिस्ट वेयर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वोन, न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वोन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। तो ये स्पोर्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसके लिए, ओके, सो इसका न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वोन मोर मैचेस देन इंग्लैंड, तो ये करेक्ट नहीं है। मतलब इसके जो रूल्स होते हैं ना वो थोड़े अलग होते हैं। जो फाइनलिस्ट होते हैं आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के, वो डिसाइडेड होते हैं परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज मतलब जितने भी पॉइंट्स उनको मिले हैं ना उसके आधार पर होंगे, ना कि कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं, इस आधार पर नहीं।
नहीं होते वो, नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने कितने भी जीते हो, उन्होंने पॉइंट कितना अर्न किया उस आधार पे ये होता है। तो ये जो आपका न्यूजीलैंड है उसने मैचेस ज्यादा नहीं जीते थे पर पॉइंट्स इन्होंने काफी ज्यादा अर्न किया था और इसीलिए ये फाइनलिस्ट बने थे। सो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब एक और है आपका, बिस्फेनॉल ए बीपीए, अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। लो डेंसिटी पॉली इथाइलीन, पॉली कार्बोनेट, पॉली इथाइलीन टेरिफ्थलेट, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, एग्जैक्टली साइंस का पार्ट है ये। तो आपको साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं क्योंकि आई थिंक आपका ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, आई थिंक अक्सर ये न्यूज़ में रहता ही है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अ कॉज ऑफ कंसर्न जो है आपका वो इसलिए है क्योंकि अभी हाल के दिनों में ना आपका जो जो हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न है इंडिया के लिए, तो इंडिया ने जो है वो प्लास्टिक को बैन करना शुरू किया था, तो उसी से रिलेटेड ये बिस्फेनॉल ए जो है आपका वो न्यूज में आया था। ये जो है एक तरीके का केमिकल है जो कि यूज होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को बनाने में। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को बनाने में ये यूज होता है जो कि एक हार्ड प्लास्टिक आइटम्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप फूड कंटेनर हो गया, वाटर बॉटल आप देखते हो थोड़े सख्त से होते हैं इस तरीके से, फिर आपका स्टोरेज कंटेनर, ये सारी चीजों के लिए बीपीए जो है वो यूज होता है उसको बनाने में। तो ये इपॉक्सी रेजिन को भी बनाने में यूज होता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न था और काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे अपियर होके आया है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है कि कौन सा जो टॉपिक है वो न्यूज में अपियर हो रहा है और किस लिए अपियर हो रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक बैन आया था न्यूज में, लेकिन यहाँ पे बिस्फेनॉल ए डेफिनेटली जुड़ जाता है क्योंकि ये यूज होता है उसको बनाने में। तो साइंटिस्ट जो है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे कि आप बीपीए की जगह कुछ और यूज करो जो कि ज्यादा हार्मफुल हमारे एनवायरनमेंट के लिए ना हो, उसके कंटेंट कुछ ऐसे हो जो कि थोड़े से ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है बी इज द राइट आंसर, पॉलीकार्बोनेट है ये एक काइंड ऑफ मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसके पॉलीकार्बोनेट के लिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि फिल्टर फीडर जो है कौन सा है, कैटफिश है, ऑक्टोपस है, या फिर ऑस्टर है, या फिर पेलिकन है। तो ये आपको देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए अप्रैल 17 2021 में ये अपीयर हुआ है, उसके बाद जाके आपका एग्जाम हुआ है अक्टूबर में। तो आप देख रहे हो ये आपका यूरेशियन ऑस्टर कैचर जो है वो न्यूज में था और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी दे दिया गया है। तो आपको ये आपके द इंडियन एक्सप्रेस का शायद या द हिंदू का ये न्यूज है। इस तरीके से आपको कोई भी न्यूज जो है ना ये एनवायरमेंट के पार्ट में आता है और इस तरीके से आपको सारी चीजें लिख के रखनी होती है ताकि आप एक राइट वे में आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, सो एस टू जो है यहाँ पे सॉरी ये ऑयस्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर, तो ऑयस्टर इसका राइट आंसर है। अब है द टर्म एस टू इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। तो ये भी आपको मैं बता रही हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो आपका जो एस टू है वो एक इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू, एंजियो टेंसीन कन्वर्टिंग एंजाइम टू। न्यूज के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं नहीं दूंगी क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप सेम ईयर के पढ़ोगे ना, प्रीवियस ईयर का पढ़ के क्या करोगे। आज जो मैं दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन अपीयर होते हैं। ठीक है, एक आइडिया के लिए आज मैंने दिया है आपको ये, और बाकी अगली बार से जो भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं कराऊंगी। हाँ, मैं आपको इसकी पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दूंगी
लेकिन आपको ये लेसन वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पीडीएफ में ऐड नहीं करूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको बोल के बताऊंगी और आपको उसको पेन डाउन करना होगा, और ये मैं इसलिए करूंगी क्योंकि आपका जो है वो रिविज़न हो जाएगा। अगर एक बार आप यहाँ पे पढ़ लोगे, दोबारा जब आप अपना बुक खोलोगे तो आपका वो रिविज़न होगा, वो एक शॉर्ट एनक्रिप्सी टाइप होगा, ताकि आप शॉर्ट टर्म में बिल्कुल रिविज़न कर पाओ अपना। हाँ, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि जनरेट करता है स्मॉल प्रोटीन को, मतलब जो लार्ज प्रोटीन होता है ना आपका एंजियोटेंसिनोजन, उसको ये छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब डिवाइड करता है। तो आपको ये आपके कोविड-19 के कोविड के टाइम में ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है, जब ट्रीटमेंट चल रहा था, खोज चल रही थी कोविड-19 का, तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे उन्होंने फोकस किया था कि कोई तो एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन होता होगा जो अलाउ करता है वायरस को कि वो ह्यूमन सेल को या फिर जितने भी ह्यूमन सेल्स हैं उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको अलाउ कर रहा है वायरस को कि आप इसको अफेक्ट करो। तो इसीलिए इस सर्च के दौरान ही ये जो टर्म है ACE2, ये आ रहा था बार बार न्यूज़ में, और इसीलिए एक आपको ये न्यूज़ में भी था। तो इस तरीके से जो सार्स, जैसे हमारा जो वायरस कोविड-19 वायरस था ना, तो उसके ऊपर जो है वो जो SARS-CoV-2 वायरस होता था वो बाइंड करता था ACE2 प्रोटीन से, और इसीलिए ये आपका न्यूज़ में था। एक आपका रिसेप्टर कह सकते हो जो कि कोविड-19 के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल था, एक वायरस जो कि इस बीमारी को ला रहा था। तो इस तरीके से आपको अब स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेज ये नहीं हो सकता है, रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग तो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग को लेकर, सैटेलाइट ये हो नहीं सकता। तो ये ACE2 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कोविड-19 के कारण, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस के लिए इस कॉन्टेक्ट में ये न्यूज़ में था। जीन्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आपको पता होते हैं, बीटी कॉटन, बीटी जो क्रॉप्स होते हैं, तो वो नहीं है। तो आपका डी इज़ द राइट आंसर, सॉरी मैं स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस को ही सही बोल रही थी। तो यहाँ पे आपका डी इज द करेक्ट आंसर, और ये कोविड-19 के सेंस में था। तो इसलिए जब भी कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी चीज निकल के आती है ना, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका ACE2 है, ये एक मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 इसका फुल फॉर्म है, और ये जो है इसका इन्वॉल्वमेंट कोरोना वायरस के बायोलॉजिकल स्टेप में, या फिर इसका इन्वॉल्वमेंट जो है SARS-CoV-2 इन्फेक्शन में देखा गया था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये था। वोलगार्ड फर्स्ट एंड वोलगार्ड सेकेंड टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब ये किस लिए मेंशन किया गया था, तो ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है, ये आपके आई गेस अप्रैल या मई की न्यूज़ है, जो कि आपके अपीयर हुई थी न्यूज में कि फार्मर्स यूनियन प्रोटेस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू वेव ऑफ ट्रेड फी ऑन बीजी कॉटन। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर साल आपका न्यूज में वो रहता है, तो इसको आप कभी मत छोड़ना। सो दिस इज द आंसर, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, बी इज द करेक्ट आंसर। सो बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड सेकेंड जो है वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, और इसलिए ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे आपको इससे भी रिलेटेड अगर कोई और चीज़ निकल के आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड, तो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये न्यूज़ में भी था, इसमें पूरा यही दिया गया था कि जो सेंटर है वो, उन्होंने ये कहा था कि मतलब ये जो आपका वेव ऑफ करना है ट्रेड फी को, वो गवर्नमेंट ने उसपे जो है फार्मर्स ने अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और इसीलिए मतलब जो बीटी कॉटन जो लाया जा रहा था वो ये इंश्योर करना था कि जो सीड्स है वो फार्मर्स को अवेलेबल हो पाए, ताकि उस प्राइस पे अवेलेबल हो पाए जो फार्मर्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसका वेव ऑफ कर देगी, मतलब प्राइस बढ़ा देगी, तो डेफिनेटली फार्मर्स उसको जो है वो नहीं मतलब ये कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, तो इस वजह से इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। सो बी इज द करेक्ट आंसर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, सॉरी। सो दिस वॉज इट, ये सारे क्वेश्चन थे जो पिछले साल अपेयर हुए थे। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, अब आपके क्वेरीज जो है वो मैं आंसर कर सकती हूँ। देखो आंसर मैं कौन सा बोल रही हूँ कौन सा नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे एक्सप्लेनेशन आप देखो ना, मैं मार्क नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं मार्क कर ही दूंगी तो फिर आप कैसे जानोगे कि आंसर क्या है। कम से कम आप गेस तो कर ही सकते हो अपने लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये करंट अफेयर्स
दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये मैंने बस इसलिए दिया कि ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको टॉपिक वाइज इसको करना है। आपको जो मेन चीज यहाँ पे मेरा मोटिव था सिखाने का वो ये था कि टॉपिक आप कैसे करोगे, ठीक है, यही था बस मेरा मोटिव यहाँ पे ये सिखाने का। अब आपको कुछ पूछना है तो आपके पास 2 मिनट्स हैं, प्लीज आप पूछ सकते हो कुछ भी आपको पूछना है तो। इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प विथ, कुछ और पूछना है किसी को? डेली रहेगी, टाइमिंग आपकी 7:30 PM रहेगी और यहाँ पे आप अपने क्वेरीज भी दे सकते हो। लास्ट के कुछ 2-3 मिनट्स में मैं आपके क्वेरीज भी हैंडल करूंगी। सो ओके, आई थिंक आई एम डन विथ इट, किसी को कुछ पूछना नहीं है। करेंट अफेयर्स नहीं कराऊंगी, करेंट अफेयर्स का ही तो ये सीरीज है भैया, ध्यान से देखो इसको आप। ओके साहिबा, ऑल क्लियर फॉर यू। कुछ और आपको पूछना है या कुछ भी है आपको, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा लाइव चैट के बाद, तो आप उसमें टाइप कर सकते हो। कोई और कोर्सेस या कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में है जो आपको चाहिए, आप 2023 के लिए जो प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो नेक्स्ट मंथ से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम आपको जो बेसिक है वहां से स्टार्ट कराएंगे ताकि आप 2023 के लिए प्रिपेयर हो पाओ। गौतम सर भी क्लासेस लेंगे और मैं भी लूंगी साथ साथ, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। जो लोग भी 2023 के लिए अपियर हो रहे हैं, आप ही बोल रहे हो ओल्ड कराओ। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सैयद व्हाट यू आर टेलिंग, मैं बस इतना कह रही हूँ आपको कि ओल्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने इसलिए दिए थे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आपको टॉपिक वाइज पूछा जाता है, समझ गए आप? तो यही टॉपिक वाइज डिफाइन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और एक्सप्लेनेशन में मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आपको इंटरलिंकिंग भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो चीज एग्जाम में पूछा गया है वो ही न्यूज में अपियर हुआ हो सकता है कुछ और अपियर हुआ था उससे रिलेट करके क्वेश्चन दिया गया हो आपको, समझ रहे हो आप बात मेरी? ओके सैयद, थैंक यू। ओके साहिबा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, डेफिनेटली वी आर गोइंग अहेड, वी आर गुड टू गो, विल बी लॉन्चिंग द सीरीज वेरी सून, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड वी नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच दिस एंड आप इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सिंस वी यू नो हमें भी काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए ये सारा लेके आने में और फिर इसको प्रिपेयर करने में, है ना? तो आप इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और आप जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कर सकते हो इसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो क्लासेस की मिल जाती है टाइम से पहले। ओके दिस इज इट फॉर टुडे, आई थिंक आई शुड लॉग आउट नाउ। कुछ भी है आपको तो थैंक यू वेरी मच साहिबा फॉर सिंस इट्स हेल्पफुल फॉर यू, और आगे से कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो आप अपने कमेंट्स रेडी रखना, कल के चैट में भी आप पूछ लेना कुछ भी आपका है तो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप साइड कर दो, मैं उसको डेफिनेटली देख लूंगी। ठीक है, सो वी गुड टू गो एंड हैव अ नाइस इवनिंग, स्टडी वेल एंड आपको कुछ भी है तो आप उसको जरूर कर लेना, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय।